बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं। जिले के कई इलाकों में पिछले एक हफ्ते से बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। कई घरों की तो केवल छत ही दिखाई पड़ रही थी। पहली मंजिल तक सब कुछ पानी में डूब चुका था। बताया गया कि बाढ़ से बेहाल कई लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जा चुके हैं। वहीं बाढ़ का असर कारोबारियों पर भी देखने को मिला। बनारसी साड़ी बनाने वाले कारोबारियों का धंधा बंद पड़ गया है, क्योंकि उनकी मशीनें बाढ़ के पानी में डूबकर खराब हो गयी। गली में खाली हमें लगे थे 200-250 मकान है, ऐसे सब बुनकर सबका डूबा है। बाढ़ में घिरे लोगों को अब जल्द से जल्द पानी के घटने का इंतजार है, ताकि उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर आ सके। बिहार में लगातार तेज बारिश से गंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। गंगा नदी में पानी बढ़ने से दियारा में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मकानों में पानी भरने की वजह से लोगों ने लॉ कॉलेज घाट के पास शरण ली है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नारायणी नदी कहर बरपा रही है। नदी में उफान की वजह से कटान जारी है, जिससे लोग दहशत में हैं। नदी के किनारे एक पेड़ और मिट्टी का टीला कटान की वजह से नदी के पानी में समा गया। लोगों ने नदी के कहर से बचने के लिए अपने घर छोड़कर ऊंचाई वाले इलाकों में शरण ली है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कटान का कहर जारी है, जिसको देखते हुए लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए और सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। ये तस्वीर हम आपको उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और नदी अपने उफान पर है, जिसकी वजह से कटान जारी है। तो वहीं राजस्थान में आसमान से आफत बरस रही है। उदयपुर में भारी बारिश से शहर को तालाब में तब्दील कर दिया है। ज्यादातर जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी कई दुकानों में भी भर गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के उदयपुर की। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि पानी का बहाव कितना तेज है, कि उसमें भारी भरकम चीजें खिलौने की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं और सड़क जो है वो पूरी तरह से समुद्र में तब्दील होती भी दिखाई दे रही है। राजस्थान के उदयपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से लोग अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में रतलाम के गांव में लोग रस्सियों के सहारे नाला पार करते दिखाई दिए। वहां हुई भारी बारिश के बाद दो गांवों के बीच मौजूद नाला पानी से लबालब भर गया, जिससे दोनों गांव का संपर्क टूट गया, जिसके बाद लोगों ने नाले के दोनों तरफ रस्सियां बांध दी और फिर उसके सहारे नाला पार करने लगे। एक आदमी तो एक हाथ में जानवरों का चारा लेकर रस्सी पर चढ़ गया और दूसरे हाथ से ऊपर वाली रस्सी को पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे जान जोखिम में डालकर उसने नाला पार कर लिया। बताया गया कि गांव के लोग हर दिन इन्हीं रस्सियों के सहारे अपने खेतों पर जाते हैं और फिर वहां से लौटते हैं। आने जाने में इतनी परेशानी हो रही, कोई रास्ता का कोई नहीं, अभी उदी हुआ। वहीं प्रशासन ने लोगों को हो रही परेशानियों से निजात दिलाने के लिए जल्द ही कदम उठाने का भरोसा दिया। इसको मैं वहाँ पर पूरा दिखवा के और जितना यथासंभव हो सके उसको जल्दी से उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। फ्रांस के पेरिस में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। फ्रांस के पेरिस में सेंट लजारे रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने येलो वेस्ट प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी की उपलब्धियों और उनके बचपन को दर्शाती एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राजस्थान के झालावाड़ में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों में चार की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के बिजनौर में एक चौकी के अंदर दरोगा के एक छात्र की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। यूपी के चित्रकूट में जिला अस्पताल की बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें मरीजों को बेड की जगह कुर्सियों पर लिटाकर ही ड्रिप चढ़ाई जा रही है। ये मरीजों की संख्या आजकल ज्यादा हो गई है, तो
तो कभी कभी इमरजेंसी में ज्यादा मरीज आ जाते हैं, हमारे यहाँ बेड से भरे हुए हैं। बिहार के वैशाली में पुलिस ने 10 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास चोरी की 9 मोटर बाइक, 3 पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। मध्य प्रदेश की सतना में पुलिस ने डकैत बबली कोल गिरोह से जुड़े लाली को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि लाली ने खुद को निर्दोष बताया है। बिहार के पूर्णिया में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने एक महिला और एक पुरुष की जमकर पिटाई की। यूपी के रायबरेली में बहाई पुलिस चौकी के इंचार्ज रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो की जांच करा करके संबंधित अधिकारी का यदि दोष पाया जाता है तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।